सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में आज राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित किया। युवा पंचायत में जयंत चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां पर युवा राष्ट्रीय लोक दल के तमाम कार्यकर्ता व किसानों ने पंचायत को अपना समर्थन दिया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लाई गई थी, जिसमें योजना आते ही देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। हालांकि कहीं कहीं आगजनी भी हुई थी। इसी बीच आज बिजनौर में एक निजी बैंकेट हॉल में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने युवा पंचायत का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए तत्काल योजना को वापस लेने की मांग की है। बातचीत में जयंत चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने देश के युवाओं को बेरोजगार करके सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है और वर्तमान में सरकार किसान विरोधी बन बैठी है। पंचायत में आरएलडी ने युवा नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। आरडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार संविधान से हटकर काम कर रही है। प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में चल रहे बुलडोजर पर भी जयंत चौधरी ने बताया कि गरीब लोगों के मकानों को गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। जब कोई सुधार होता है तो जनता को समझाने की जरूरत है। आप जिनके लिए कानून ला रहे हो उन्हें अगर आपको समझाना पड़ रहा है तो वाकई सुधार नहीं है। ये दमनकारी योजना आपकी नीति है, उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं बन पा रही। लोगों को आसान सी बात समझ नहीं आ रही कि पहले जो 15 साल 17 साल नौकरी कर लेता था उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी, सारी सुविधाएँ मिलती थी, आप उस पर कैंची चला रहे हो, सुविधाएँ काट रहे हो और फिर उसे बताना चाह रहे हो कि हमने अच्छा काम आपके लिए किया। तो इतने पूर्व सैनिक हैं, बड़े अधिकारी रह चुके हैं, जिनको अनुभव है, जिनको मालूम है कि 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती अग्निवीर के लिए, फौज के लिए, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। सर, चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, इसमें आपका क्या कहना है? चुनावी अपने मैनिफेस्टो में सरकार ने ये भी दावा किया बीजेपी ने कि हमने 3 करोड़ को रोजगार और स्वरोजगार दे दिया और अब वही आंकड़ा 5 करोड़ का बता रहे हैं। तो 3 करोड़ को दे चुके, 5 करोड़ को देने वाले प्रदेश की आबादी जो है 24-25 करोड़ की है, मतलब हर घर में इन्होंने 2-3 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। तो इनके झूठ का पुलिंदा है, सबको मालूम है बुरी स्थिति है रोजगार को लेकर। अगर बुरे हालात नहीं होते तो आपने देखा कि ग्रुप बी ग्रुप सी की नौकरियां निकलती हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आवेदन करते हैं, पोस्ट 10 होती है और आवेदन करने वाले हजारों में होते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, माफियाओं को बुलडोजर चल रहा है, क्या इससे आप नैतिक रखते हैं कि ये गलत है? नहीं, कोई माफियाओं पर बुलडोजर नहीं चल रहा। आज बावड़ी गाँव के एक परिवार से मैं मिलकर आ रहा हूँ, जो एक वृद्ध किसान 94 साल की उनकी उम्र थी, उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई और उनकी मृत्यु होने के बाद भी कार्रवाई नहीं रुकी। अधिकारी बुलडोजर चलाते रहे, परिवार वाले उनको संभालते रहे और उनके घर पे बुलडोजर चलता रहा। तो अमानवीय व्यवहार है, सरकार को कानून के तहत चलना चाहिए, संविधान के तहत चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है लेकिन ये अभी भी बात नहीं आई। अच्छा, चेंज अगर ये अग्निपथ योजना को वापस नहीं देती सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या किसान आंदोलन की तरह ये चलेगा आंदोलन? देखिए, आंदोलन मुद्दों पे होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे जनता ही तय करेगी कि अगला पड़ाव क्या होगा, आंदोलन को क्या रूप देना चाहते हैं जनता तय करेगी। हम पंचायत कर रहे हैं, हम अपने प्रस्ताव जनता के बीच रख रहे हैं। हमें अभी इस आंदोलन को बड़ी गति मिली है, समर्थन मिला है। ऐसे समय पे जब कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही, हम लोग जमीन पर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इतना दबाव बनाएंगे कि ये योजना रद्द। जयंत जी, बीजेपी और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि बिल्कुल आय दुगनी हो गई और 15-15 लाख सबके खाते में आ गए और 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो गया और किसी किसान के उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल नहीं आ रहा? इन चारों पॉइंट पे आप तहकीकात कर लो कितनी सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी। गठबंधन का है आपने।